हाय गाइस, पहले आलू के पतले पतले स्लाइस काट लीजिए, फिर बेसन, नमक, मिर्ची और थोड़ी हींग का घोल बना लीजिए। फिर इस घोल को अच्छे से फेंट लीजिए। जब ये सब चीज़ मिक्स हो जाए तो इसमें आलू के पतले पतले स्लाइस डाल के तेल में फ्राई कीजिए। आपके आलू के पकोड़े फूले फूले नरम सॉफ्ट बनेंगे। ये आलू के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस घोल में सिर्फ आप नमक, थोड़ी कुटी मिर्ची और हींग, बस ये चीज़ डालिए। थोड़ा लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं और ये पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। थोड़ा लहसुन अदरक पीस के भी डालेंगे तो आप ये पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं और ये पकोड़े सारे ही फूलते हैं। थोड़ा आप बड़ा आलू लीजिए तो ये पकोड़े सारे फूलते हैं और अंदर आलू इतना सॉफ्ट रहता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनते हैं। मैंने तो कई बार बनाए हैं। मैं सर्दी में ज़्यादातर बड़े आलू के पकौड़े बनाती हूँ जो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी आलू बहुत टेस्टी होता है। सर्दी में आलू बहुत अच्छे आते हैं, वैसे भी तो आलू बहुत अच्छा मिलता है सर्दी में। आप उस आलू के पकौड़े बना के देखिए, बहुत अच्छे आलू के पकौड़े बनते हैं। आप इसके जो स्लाइस हैं आप उसमें निकाल सकते हैं, पतले पतले आलू स्लाइसर होता है उसमें आप आलू के स्लाइस निकालिए तो उसमें आपके बिल्कुल पतले स्लाइस निकलेंगे और ये पकौड़े सारे ही फूलते हैं, बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनते हैं। इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बेसन में। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे आलू के पकौड़े बनाइए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसे पूरी से, रोटी से भी खा सकते हैं आप, इसे चाय से तो खाते ही हैं आप, अलग तरीके से पूरी से भी खाएंगे आलू के पकोड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप एक बार ट्राई कीजिए आलू के पकोड़े, बहुत सिंपल है ये। देखिए फ्रेंड, मेरे सारे आलू के पकोड़े फूले हैं और बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट आलू के पकोड़े बने हैं। कृपया आप भी एक बार बना के देखिए। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये गरम बहुत है, थोड़ा गरम है, थोड़ा मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये ना गरम बहुत है, थोड़ा बहुत गरम है। ये देखिए फूले हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। आप भी बनाइए ऐसे, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये कुरकुरे पकौड़े। धन्यवाद।